हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। काफ़ी सारी क्वेरीज, काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए, और जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का भी एक नोटिफिकेशन बच्चे सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आ चुकी हैं कि SI का जो फॉर्म निकलेगा इन फ्यूचर, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। जेके पुलिस कांस्टेबल का जब से फॉर्म निकला है, काफ़ी सारे बच्चे इसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। करियर सक्सेस का भी फ्रेश बैच मंगलवार सुबह 9 बजे से स्टार्ट किया जा रहा है, ऑफलाइन बैच। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो डेली बेसिस पे आप लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि सर, बहुत सारे बच्चे वैसे, हालांकि यूट्यूब वीडियोज़ में हमने हर एक टॉपिक डिस्कस कर लिया है, सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिजिकल टेस्ट, सारा कुछ जो आपको पता होना चाहिए, और आपने भी नोटिफिकेशन पढ़ा ही होगा तो आपको हर एक चीज़ क्लियर है, फिर भी डेली बेसिस पे बहुत सारे कमेंट्स, क्वेरीज, फ़ोन कॉल्स आती हैं बच्चों की छोटी छोटी क्वेरीज के लिए। तो कोशिश करते हैं इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करें। सबसे पहले लेटेस्ट कमेंट्स से शुरू करते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं बच्चे, बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है, एज रिलैक्सेशन होना चाहिए कम से कम, क्योंकि 5-6 साल बाद फॉर्म निकलना, उससे क्या है कि काफ़ी सारे बच्चों को मौका नहीं मिल पाता रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने का, एज रिलैक्सेशन ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, सर इस बार रिटन टेस्ट होगा या फिजिकल टेस्ट। मैंने आपको फरवरी में ही बता दिया था कि रिटन टेस्ट आपका पहले है, फिजिकल टेस्ट बाद में। ये मैं अपने से नहीं बता रहा आपको, ये 2021 के न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, उसमें मेंशन किया हुआ है, आप एक बार देखिए वो। उसके बाद, सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेज बट ड्यू टू फाइनेंशियल इशूज़, इसके बारे में कुछ बच्चे लिख रहे हैं। तो करियर सक्सेस के अगर आप ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, इसमें 2 ऑप्शंस रखे हैं हमने। एक है रिकॉर्डेड वीडियोस, जिसमें आपको वीडियो से पढ़ना है, जैसे ही आप परचेज करेंगे उसी वक्त आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, आप पढ़ते रहिए वहाँ से पूरा दिन, सुबह शाम जब पढ़ना है। एक कोर्स है जिसमें हमने लाइव क्लासेस स्टार्ट करनी है वेडनेसडे सुबह 9 बजे से। तो दोनों ऑप्शंस हैं, जो भी आप परचेज करना चाहें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद बात करते हैं, मैक्सिमम कमेंट्स एज रिलेक्शन के रिलेटेड है। सिलेबस का PDF कहाँ मिलेगा? हाँ, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, सर जो हमने उस दिन लाइव सेशन देखा था रात को आपको, उसमें कॉन्स्टेबल के सिलेबस का PDF का लिंक था। तो PDF का लिंक, उस दिन ट्रैफिक ज़्यादा था वेबसाइट पे, अब वो सॉर्ट आउट हो गया है। अभी आप सीधा सर्च करिए करियर सक्सेस जम्मू, वहाँ पे आपको नोट्स एंड PDF सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको तीसरा या चौथा लिंक होगा, वो डाउनलोड कर लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और भी क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों के, कि जो डेट रखी गई है तो उसी डेट के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। जो डेट, जैसे 1 जनवरी 2006 के बाद कोई अप्लाई नहीं कर सकता, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना है आपने। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भरते हैं बाद में बोले मुझे पता नहीं था, तो वो वहाँ पे एज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरेंगे। अगर आप 18 साल से 28 साल के अंदर हैं तो ही भर सकते हैं, और जो डेट वहाँ दी है उसके अंदर होना चाहिए। सर व्हेन यू विल स्टार्ट, CBSE आर्ट एंड क्राफ्ट ने पूछा है, वेन यू विल स्टार्ट बैच 2 or 3 PM एज वी हैव कॉलेज इन मॉर्निंग। कॉलेज स्टूडेंट्स का ऑलरेडी बैच हमारा चल रहा है, 2 to 5 PM का शाम का स्लॉट है, न्यू बैच भी स्टार्ट होगा, हम इसके रिलेटेड वीडियो डाल देंगे, आपको पता चल जाएगा। सर फी क्या है? डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज के लिंक्स दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट ने पूछा है, सर JKP कांस्टेबल अगर मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा तो क्या मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी? अब ऐसे बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं, तो उसका हमारे पास कोई आंसर नहीं है। हाँ, नौकरी तो मिल सकती है, ये गारंटी है, बाकी किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। हाँ, एज रिलैक्सेशन के रिलेटेड ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं। उसके बाद जस्ट ए सेकेंड, सिलेबस लिंक वर्क नहीं करा। हाँ, सिलेबस लिंक वर्किंग है, आप दोबारा चेक करो, मिल जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, सर जो एलिजिबल रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो हमारे पास हार्ड कॉपी होना चाहिए। तो जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपके पास सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी जो भी है, ये आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे, जब फॉर्म भरेंगे तब भी आपको यूज़ करना है। उसके बाद लिखा है लव फ्रॉम प्लान वाला, ओके। हाँ, मैक्सिमम यही क्वेरीज हैं आप लोगों की जो मैं देख पा रहा था। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स लिखा है, 10 डेज ओवर एज। अब एक स्टूडेंट ने लिखा है 10 डेज मेरी एज जो है वो
ओवर एज है, मतलब जो डेट है, तो आप देखो जिस टाइम फॉर्म निकला उस टाइम आप ओवर एज हैं, तो एज रिलैक्सेशन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप मान के चलिए कि काफ़ी देर बाद, ऑलमोस्ट 2017 के बाद आप फॉर्म निकला है, तो इसका कुछ होना चाहिए सोल्यूशन। ट्रेनिंग, अभी पन जी पूछ रहे हैं इसकी ट्रेनिंग का क्या स्केड्यूल रहता है, इस वीडियो बनाए और कैसी होती है ट्रेनिंग। अभी जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं SI के, वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही थोड़ा फ्री होते हैं तो ये बीच में मिलने आएंगे, तो मैं उनसे एक सेशन करवा दूंगा आपका। अब काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में। मेडिकल टेस्ट मैंने ऑलरेडी बच्चों से पूछा भी था, जिनका SI का हुआ या कांस्टेबल बॉर्डर बटालियन वगैरह का, तो वो सभी यही कह रहे थे कि कोई ज़्यादा इसका टफ नहीं होता, एक बेसिक मेडिकल टेस्ट है जो क्वालिफाई करना होता है। अदर स्टेट्स के फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, अदर स्टेट के बच्चे जम्मू कश्मीर में फॉर्म तभी भर सकते हैं अगर उनका डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर होगा। अगर नहीं है तो डोमिसाइल रूल्स पढ़िए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कैसे बनाना है या क्या है। हाँ, ऑलमोस्ट ये जनरल कमेंट्स डेली बेसिस पे आ रहे हैं, कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ के आ रहे हैं, तो उसमें तो जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसकी अकॉर्डिंग ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कोई भी आपकी जेन्युइन क्वेरीज होंगी तो आप मैसेज करते जाइए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हैं, थैंक यू सो मच।